जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके लिए लाए हैं संकल्प। आपने बहुत बार सुना होगा कि संकल्प क्या होता है। आप देखते भी होंगे कि कोई कहता है मंत्र का संकल्प लेने के बाद पूजा करनी चाहिए, मंत्र का ये करने के बाद पूजा करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। तो आप संकल्प के बारे में हम जानकारी देंगे, संकल्प का अर्थ क्या होता है। संकल्प का अर्थ है कि किसी अच्छी बात को करने का दृढ़ निश्चय करना। सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान या जप करने से पहले संकल्प करना अति आवश्यक होता है और बिना संकल्प के शास्त्रों में पूजा अधूरी मानी गई है। मान्यता है कि संकल्प के बिना की गई पूजा का सारा फल इंद्रदेव को मिलता है, अर्थात जितनी भी पूजा आप करोगे उन्हें संकल्प नहीं लोगे तो इंद्रदेव उनकी पूजाओं का सारा फल लोगा वो ले जाएंगे। और ज़्यादातर जो पूजा पाठ करने वाले ये लोग होते हैं वो संकल्प नहीं लेते हैं और कहते हैं कि मेरी पूजा इतने दिनों से कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, मेरा इष्ट देव मेरी सुन नहीं रहा है। तो पूजा का सिस्टम होता है, उस तरीके से पूजा करोगे तो आपको संकल्प लेना चाहिए तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा। आप अधूरी पूजा करते हो और पूर्ण पूजा नहीं करते हो तो संकल्प तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए संकल्प का पूजा में बहुत विशेष महत्व है, इसीलिए आपको पूजा करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। अरे संकल्प लेते कैसे हैं? संकल्प लेने का यह अर्थ है कि हमारा इष्ट देव और हम दोनों को साक्षी मान लेते हैं और यह पूजन कर्म विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। अर्थात हमें क्या करना है कि हम इष्ट देव और स्वयं को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं, या आप कर रहे हैं तो लेता हूँ, कि यह पूजन कर्म विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, इस संकल्प को पूरा जरूर करूँगा। संकल्प जो लेना है आपको विधि विधान के अनुसार, जैसे अच्छे कर्म के लिए कर रहे हैं तो कर्म के लिए करो, ये सिद्धि कर रहे हैं तो मैं संकल्प लेता हूँ कि यह सिद्धि किसी भी गलत कार्य को नहीं करूँगा, ऐसे कर मैं यह मानव कल्याण के लिए भलाई के लिए करूँगा, मैं अपने इष्ट देव को मानकर, आपका इष्ट देव कोई भी हो सकता है उनका नाम लें, कि मैं अपने इष्ट देव और स्वयं को साक्षी मानकर ऐसे ऐसे कहना है आपको कि यह सिद्धि जो मैं कर रहा हूँ इस देवी की, वह संकल्प लेता हूँ कि मैं सभी प्रकार के अनिष्ट कर्मों से, अधर्म से, उनसे रक्षा करने के लिए कर रहा हूँ, किसी का अनिष्ट नहीं करूँगा और यह सिद्धि उपयोग में आए तभी करूँगा, हर बेवजह इसका उपयोग नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय हाथ में जल लिया जाता है, श्री गणेश को सामने रख लिया जाता है, श्री गणेश अर्थात गणेश जी की मूर्ति को सामने रख लिया जाता है ताकि गणेश जी की कृपा से पूजन कर्म बिना किसी बाधा से पूरा हो जाए। इस परंपरा से हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है और उस व्यक्ति के विपरीत परिस्थितियों का सामना करना में सहायता मिलती है। विपरीत परिस्थितियाँ अर्थात जब मुझे लगता है कि उसका धर्म संकट में आ रहा है तो संकल्प के जरिए अपने इष्ट देव से कहता है, इष्ट देव मैंने आपका संकल्प लिया था और मुझे पूर्ण रूप से मेरी रक्षा करें, मुझे संकल्प पर डटे रहने की शक्ति दें। तो ऐसा करने से संकल्प में लाभ होता है। देखिए वैसे तो संकल्प बहुत कई मंत्र होते हैं, संकल्प के बड़ी बड़ी मात्राएं होती हैं, पर हम आपको उनको वो अगली वीडियो में बताएंगे। हमारा इतना उद्देश्य था कि संकल्प लेते कैसे हैं, वो संकल्प अलग अलग तरीक़ा के होते हैं, बस हम इतना बता रहे हैं कि संकल्प होता क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, अगर आप लाइक करते हैं, अच्छी कमेंट करते हैं, तो हम अगला पार्ट इसका जरूर लाएंगे, उसमें बताए जाएंगे विभिन्न साधनाओं के संकल्प कैसे लें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।